हेलो गाइस, वेलकम टू टी वाई जे वर्ल्ड। आज हम यहां बात करेंगे दो मिड रेंज फोन की, या बोले दो सक्सेसफुल फोन, जिनमें सबसे पहले जो नाम आता है वो रेडमी नोट 4। रेडमी नोट 4 जो कि जनवरी में आया था, इंडिया पे लॉन्च हुआ था और अभी का सबसे सक्सेसफुल फोन और सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन है रेडमी नोट 4 इंडिया में। उसके बाद अगर हम बात करें, सैमसंग ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है J7 Pro जुलाई में। की बात करें तो हार्डवेयर में Redmi Note 4 में एक्चुअल में Snapdragon 625 लगा है और J7 Pro में लगा है खुद का प्रोसेसर, Samsung के खुद का प्रोसेसर Exynos 7870। अगर Redmi Note 4 की बात करें तो ये 2.0 GHz का Octa-Core प्रोसेसर है और ये है 1.6 GHz का Octa-Core J7 Pro। यानी अगर हार्डवेयर टर्म्स में देखें तो Redmi Note 4 ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू J7 Pro। अगर हम रैम की बात करें तो ये 4GB का वेरिएंट है और 64GB इंटरनल है Redmi 4 में, और इसमें भी 64GB इंटरनल है लेकिन इसमें 3GB ऑफ रैम है। तो J7 Pro में रैम कम है 1GB Redmi Note 4 से, दोनों मेटल बॉडी में है जो कि फील प्रीमियम का देते हैं। अगर हम गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन की बात करें तो Redmi Note 4 में किसी भी तरह का प्रोटेक्शन का डिस्क्रिप्शन वेबसाइट ने नहीं दिया, या बोले MI ने नहीं दिया। प्रोटेक्शन की बात करें तो J7 Pro में गोरिल्ला ग्लास 4 प्रोटेक्शन है। दोनों ही स्लिम फ़ोन हैं और ज़्यादा, अगर विड्थ में बोले तो ज़्यादा मोटे नहीं हैं दोनों फ़ोन, तो ये तो कैरी करने में आसान है। और दोनों की स्क्रीन साइज़ है 5.5 इंच। 5.5 इंच जो पिक्सल डेंसिटी है वो है 401 DPI, और अगर हम DPI की बात करें तो 480 DPI है और इसमें 420, यानी DPI में MI Note 4 ज़्यादा आगे है इससे Samsung J7 Pro से। अगर हम स्क्रीन टू बॉडी रेशो की बात करें तो स्क्रीन टू बॉडी रेशो एक्चुअल में J7 Pro में ज़्यादा है, क्योंकि फ्यूचर फोन में तो बेजल्स कम होंगे, स्क्रीन टू बॉडी रेशो बढ़ेगा, लेकिन अभी फिलहाल 73.3 इसमें है और 72.3% इसमें, मतलब 1% इसमें ज़्यादा है। अब अगर हम इसके बाद बात करें कि इसकी ग्राफिक्स ड्राइवर, तो अगर हम ग्राफिक्स ड्राइवर की बात करें तो इस पर लगा है एड्रीनो 506, क्योंकि स्नैपड्रैगन के साथ एड्रीनो लगता है और एक्सिनॉस के साथ माली का ग्राफिक्स ड्राइवर लगता है। J7 Pro पे माली T830 लगा है, तो माली T830 के कुछ वर्जन आते हैं जिसपे MP2 इस पर लगा हुआ है अभी, यानी J7 Pro पे MP2 वर्जन लगा है। और अगर हम इसकी बात करें इसमें एड्रीनो 506 और एड्रीनो माली से अच्छा ग्राफिक्स ड्राइवर माना जाता है। शूटर की बात करें तो दोनों में 13MP का है, लेकिन 13MP सेंसर के साथ अगर हम बात करें यहाँ पे डिफरेंस क्या, तो सबसे पहले जो डिफरेंस है वो एपेचर में। एपेचर MI नोट 4 में 2.0 है, f2.0, और सैमसंग J7 Pro में 1.7 है, यानी लो लाइट फोटो कैप्चर करने में J7 Pro ज़्यादा आगे होगा अगर हम स्पेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो Redmi Note 4 से, क्योंकि इसमें 1.7 है। जितना एपेचर कम होगा उतना या उतनी अच्छी लो लाइट फोटो कैप्चर करने मोबाइल कैपेबल होता है। इसका 2.0 है, इसका है 1.7। अगर हम यहाँ पिक्सल साइज की बात करें तो दोनों में 1.12 माइक्रोन लार्ज पिक्सल है, और अगर इसमें सेंसर की बात करें J7 Pro में कौन सा सेंसर पीछे दिया है, वो है सोनी का IMX258। ये 2015 में लॉन्च हुआ था, मतलब 2015 का सेंसर आपको लगा के दे रहा है J7 Pro, और इसके ऊपर भी सेंसर आ चुके हैं जो कि है IMX386 जो कि 1.25 माइक्रोन लार्ज पिक्सल रखता है, मतलब इससे बड़ा सेंसर है, क्योंकि जितना बड़ा सेंसर होगा उतनी ज़्यादा लाइट गेन करने की कैपेसिटी होगी और उतनी अच्छी फोटो क्लियरिटी और फोटो कैप्चर करने की कैपेबिलिटी होगी कैमरे में। तो दोनों में ही 1.12 लार्ज माइक्रोन है, तो ठीक है, ये तो पिक्सल साइज की बात हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट कैमरे में J7 Pro Redmi Note 4 से स्पेक्स में बहुत आगे, क्योंकि Redmi Note 4 में 5MP का कैमरा है और J7 Pro में 13MP का कैमरा है, लेकिन अगर एपेचर की बात करें तो इसमें f2.0 ही है फ्रंट में भी, लेकिन इसमें f1.9 हो गया एपेचर, यानी एपेचर बढ़ गया है। तो हाँ, फ्रंट कैमरे की बात करें तो, और साथ में इसमें फ्रंट फ्लैश भी, तो सेल्फी के मामले में J7 Pro स्पेक्स में MI Note 4 से आगे है। अगर हम पोर्ट्स की बात करें तो दोनों में माइक्रो बी पोर्ट हैं जो कि USB 2.0 सपोर्ट करते हैं, और दोनों में ही फास्ट चार्जिंग नहीं है, दोनों में ही फास्ट चार्जिंग नहीं है, यानी दोनों जो मिड रेंज फ़ोन है इनमें टाइप सी USB नहीं मिली है आपको। अगर हम प्राइस की बात करें तो एक्चुअल में Redmi Note 4 J7 Pro से पूरे 6 से 7 हज़ार रुपये
सस्ता है, मतलब GSM Pro 6-7 हज़ार रुपये महंगा है Redmi Note 4 से। और अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी कैपेबिलिटी में, या बोले बैटरी किस में ज़्यादा है, तो Redmi Note 4 में बैटरी 4100 mAh है और इसमें 3600। सीधी सी बात है, Redmi Note 4 में मुझे 2 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाता है अगर मैं नॉर्मल यूज़ करता हूँ, ठीक है। अगर मैं ऑन स्क्रीन टाइम की बात करूँ तो इसमें 7 घंटे मिल जाते हैं और इसमें 5.5 घंटे से 6 घंटे मिलते हैं ऑन स्क्रीन टाइम। तो मैं ये बोलूँगा हाँ, Redmi Note 4 में बैटरी बैकअप ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू। अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो यहाँ एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है कि सैमसंग J7 Pro में 16 सेंसर्स हैं और Redmi Note 4 में 40 सेंसर्स हैं। मतलब 6-7 थाउजेंड का डिफरेंस होने के बाद इतने कम सेंसर दे रहा है सैमसंग J7 Pro, जबकि वो महंगा भी है। तो सैमसंग शुरू से ही सेंसर्स पे कम काम किया, मतलब सेंसर्स कम ही दिया है। अगर हम बात करें तो J7 Pro में कुछ सेंसर्स बड़े हैं, लेकिन अभी भी आप देखें Redmi Note 4 में 40 सेंसर्स हैं। अब सेंसर्स का यूज़ क्या होता है? सेंसर्स एक्चुअल में यूज़ होते हैं अलग अलग तरह के वेरियस टास्क करने में, जो कि मोबाइल आपका डिटेक्ट करेगा। जैसे आजकल जो फ्लैगशिप मोबाइल आ रहे हैं उनमें कुछ ऐसे सेंसर्स आते हैं कि USB में अगर मॉइस्चर आ गया तो उसे डिटेक्ट करके चार्जिंग ब्लॉक कर देंगे कि आपकी बैटरी ब्लास्ट ना हो जाए। तो कुछ इस तरह के सेंसर्स आजकल आ रहे हैं जो कि फ्लैगशिप में मिलेंगे। फ्लैगशिप में आपको और इनकी रेंज 60-70 पहुंच जाती है। लेकिन सेंसर्स का यूज़ क्या है? जैसे आप देखेंगे कि सैमसंग के J7 Pro में पेडोमीटर नहीं दिया, यानी स्टेप काउंट नहीं करेगा वो। और अगर हम Redmi Note 4 की बात करें तो ये स्टेप काउंट करेगा, आपकी डिस्टेंस काउंट करेगा। और फिर मैग्नेटोमीटर हो गया, जो कि दो तीन तरह के दिए हैं कैलिब्रेट करने के लिए। ज़्यादा अच्छा कैलिब्रेशन होगा आपका Redmi Note 4 में मैप में। जैसे आप अगर आप मैप देखते हैं तो मैप में ज़्यादा अच्छा कैलिब्रेशन होगा। में J7 Pro क्लियर विनर है। इसके बाद अब हम यहाँ पे बात करेंगे इंटरनेट डाउनलोड स्पीड की। मैंने दोनों को सेम वाईफाई से कनेक्ट किया है। अब मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ गेम मोटू पतलू रन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लीड ली है सैमसंग की J7 Pro ने। अभी भी लीड पे सैमसंग का J7 Pro। अब Redmi Note 4 आगे हो गया है और उसने डाउनलोड भी कर लिया पहले। अब इंस्टॉलेशन चल रहा है और सैमसंग J7 Pro बाद में डाउनलोड होने के बाद भी इंस्टॉलेशन पहले किया, मतलब J7 Pro का अगर मैं बोलूं। अब हम यहाँ बात करेंगे नेटवर्क की, कि एक्चुअल में दोनों मोबाइलों में नेटवर्क का क्या कॉन्फ़िगरेशन है, जो LTE बोलते हैं हम, या बोले 4G में एक्चुअल में दोनों में कौन सी कैटेगरी दी गई है। तो दोनों में Cat 6 यानी कैटेगरी 6 दी गई है 4G की, जिसकी मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड है 300 Mbps यानी 300 Mbps। तो ये दोनों मोबाइलों में दी गई, J7 Pro Redmi Note 4 दोनों में ही Cat 6 कैटेगरी दी गई है। और आजकल जो फ्लैगशिप मोबाइल है उसमें Cat 12, Cat 13 तक आ रहे हैं। Cat 12 और Cat 13 एक्चुअल में कहलाते हैं 4.5G। आपने देखा होगा कुछ फ्लैगशिप मोबाइलों में LTE+ आता है, वो एक्चुअल में ULTE का सिंबल है, यानी अल्ट्रा LTE, जिसकी मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड जाती है 600 Mbps यानी Cat 6 से जस्ट डबल। अब अगर यहाँ हम नेटवर्क की बात करें या फिर डाउनलोड और अपलोड स्पीड की बात करें दोनों मोबाइलों की, तो Redmi Note 4 ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और उसकी डाउनलोड स्पीड मैक्सिमम 8-9 तक चली गई है, 8-9 Mbps यानी
89 मेगा बिट पर सेकेंड। और अपलोड स्पीड की बात करो तो दोनों J7 Pro और Note 4 दोनों की ही 2 Mbps तक गई है, लेकिन J7 Pro में मैंने 2-3 बार ट्राई किया, 2-3 बार सेम नेटवर्क में उस J7 Pro में 3.82 से 4.80 तक स्पीड गई है। तो एज कंपेयर Redmi Note 4 ये कम है। बाकी कन्फिगेशन दोनों में सेम है कि दोनों में कैट 6 है, लेकिन प्रोसेसर के डिफरेंस के कारण स्पीड में ही फर्क आता है, तो वो यहाँ दिख रहा है। तो Redmi Note 4 में आपको अगर आप जियो की सिम लगाए, एयरटेल की लगाए, किसी की भी लगाए, डाउनलोड अपलोड स्पीड ज़्यादा मिलेगी J7 Pro से। अब हम बेंचमार्क टेस्ट करेंगे। तो मैंने एक बार पहले कर चुका हूँ J7 Pro का, स्कोर भी दिखा रहा है, लेकिन अब हम फिर से टेस्ट करते हैं, दोनों की स्पीड टेस्ट करते हैं और वीडियो कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि इसमें जो रेंडर होगा 3D ऑब्जेक्ट्स और जो ग्राफिक्स रेंडर होगा, तो उसमें एक्चुअल में कौन सा ग्राफिक्स कार्ड, माली या फिर एड्रीनो 506 या माली 830 कौन सा जीतता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्प्ले पे तो डिफरेंस है, थोड़ा येलोइश है रिविड कलर दिखा रहा है, AMOLED डिस्प्ले है J7 Pro का, आप देख सकते हैं। और Redmi Note 4 TFT स्क्रीन होने के कारण थोड़ा सा डल है एज कम्पेयर टू J7 Pro, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा एक डिफरेंस सामने आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो Redmi Note 4 एक्चुअल में बहुत अच्छा काम कर रहा है अपने ग्राफिक्स पे। मैं डिस्प्ले की बात नहीं कर रहा, मैं ग्राफिक्स की बात कर रहा हूँ, ग्राफिक्स रेंडर करने का। आप देखिए Note 4 बहुत ही स्मूथ है, कोई लैग नहीं आ रहा, लेकिन J7 Pro से रेंडर ही नहीं कर पा रहा, ऐसा लग रहा है जैसे अटक के चल रहा है, लेकिन Note 4 एक्चुअल में बहुत अच्छे से रेंडर कर रहा है। यानी इससे ये सिंपल एक कंक्लूजन निकल रहा है कि जो Redmi Note 4 है वो आपके हाई क्वालिटी वीडियो को बिना अटकाए या बिना फ्रेमिंग के चला सकता है, लेकिन J7 Pro में दिक्कत आएगी जब आप 4K वीडियो चलाएंगे, तो फिर J7 Pro में दिक्कत आएगी। अब हम यहाँ बात करेंगे, हाँ अगर हम बेंचमार्क की बात करें तो 58167 यानी हाँ हार्डवेयर प्रस्पेक्टिव व्यू से तो Redmi Note 4 बहुत आगे, 10,000 आगे। अगर 3D की स्कोर की बात करें तो देखिए अब 12,000 और 6,000 का डिफरेंस है, UX में भी 3,000 का, मतलब अगर हम बात करें CPU में भी डिफरेंस है, जैसा मैंने बताया था CPU में तो है डिफरेंस, कोर्स में 2.0 और 1.6 है, रैम में भी डिफरेंस आया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा रैम में उल्टा हो गया। आप देख सकते हैं रैम के पॉइंट J7 Pro के ज्यादा, जबकि इसमें 3GB रैम है। अब हम कैप्चर करेंगे कुछ इमेजेस दोनों मोबाइलों से, यह है J7 Pro की इमेज, आप देख सकते हैं बिल्कुल, मैं बोलूंगा एक परफेक्ट इमेज बोलूंगा मैक्रोशॉट में। ये है Note 4 की, ये लिटिल बिट ग्रीनिश है, मतलब जो एक्चुअल कलर है वो J7 Pro में आया। और अगर मैं डिटेल की बात करूं तो हाँ J7 Pro में बहुत अच्छी डिटेल कैप्चर किया है। और अगर अब हम बात करें Note 4 की, Note 4 को जूम करके देखते हैं, Note 4 थोड़ा ग्रेनिश में लग रहा है, प्लस अगर हम जूम करते हैं तो हाँ अगर डिटेल कैप्चरिंग की बात करें कौन, तो J7 Pro ज़्यादा अच्छी डिटेल कैप्चर कर रहा है एज कम्पेयर टू Note 4। ये मैंने लाइट में ली है, लाइटिंग कंडीशन बहुत अच्छी थी, साथ में फ्लैश ऑन नहीं था मोबाइल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं J7 Pro ने बहुत अच्छी इमेज कैप्चर की है, डिटेल भी ठीक है, आप थोड़ी मतलब छोटी छोटी डिटेल्स यहाँ देख सकते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे Note 4, आप Note 4 में देखेंगे जो कलर सेचुरेशन है या बोलेंगे या फोटो ज़्यादा अच्छी Note 4 में यहाँ पे आई है, ब्लैक कलर को एक्चुअल ब्लैक दिखा रहा है Note 4,
और डिटेल की बात करें तो डिटेल भी ज़्यादा नोट 4 में आई है एज़ कम्पेयर टू J7 Pro। यह है नोट 4 की इमेज विद फ्लैश। डिटेल अच्छी कैप्चर की है फ्लैश में, तो बोल सकते बहुत अच्छी इमेज है। अगर माइक्रोशॉट की बात करें, यह है J7 Pro की, यहाँ पे भी J7 Pro ने बहुत अच्छा काम किया है। डिटेल की बात करो तो यहाँ पे इस शॉट में फ्लैश में MI ने ज़्यादा अच्छा काम किया है। अब इसके बाद आता है J7 Pro। यहाँ पे एक्चुअल में क्या किया, बैकग्राउंड में मैंने लाइट रखी है और सामने ऑब्जेक्ट रखा है, इससे ये कन्फर्म हो जाएगा कि कौन एक्सपोजर को ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा है। तो ये J7 Pro की इमेज है जो कि बहुत अच्छे से कैप्चर करी है एक्चुअल में डिटेल। आप देख सकते हैं डिटेल भी आई है, साथ में बैकग्राउंड लाइट को ब्लर भी किया है और उससे फोटो पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है। अच्छा, एक अच्छा बोलूँगा मिड रेंज फोन के लिए। ये है रेडमी नोट 4, जो नीचे रेडमी नोट 4 है उसने भी अच्छा काम किया है, यहाँ पे डिटेल अच्छी कैप्चर की है। ये आपको डिसाइड करना है एक्चुअल में आपको कौन किस तरह की फोटो पसंद आ रही है, किस मोबाइल की फोटो। तो मैं बोलूंगा हाँ, यहाँ अच्छा काम किया है रेडमी नोट 4 ने। अब ये है, सीधा मैंने लाइट पे फोकस किया, उसके बाद मैंने देखा कि क्या ऑब्जेक्ट में कुछ, ये बोलेंगी अगर मैंने जब लाइट में फोकस किया तो दोनों में बहुत चेंजेस आए। अब यहाँ आपको डिसाइड करना आपको कैसी पिक पसंद है। लाइट में फोकस करने के बाद भी कुछ पार्ट जो मेन ऑब्जेक्ट का था उसका कैप्चर किया नोट 4 ने, लेकिन यहाँ J7 Pro ने पूरा ही एक्सपोजर में बोलूँगा लाइट में कंट्रोल कर दिया और उसे डार्क करके लाइट बहुत अच्छे से कैप्चर करी। यार डिटेल की बात करें कि जो लैंप की बात करो तो वहाँ ज़्यादा अच्छी कैप्चर हुई है J7 Pro में, लेकिन यहाँ पे साथ में ऑब्जेक्ट भी कैप्चर हुए हैं किस में, नोट 4 में। तो ये आपको डिसाइड करना है वो किस तरह की फोटो, अगर मैं देखूँ तो नोट 4 की फोटो ज़्यादा अच्छी है, लेकिन हाँ लाइट की ज़्यादा अच्छी फोटो कैप्चर J7 Pro ने करी। अब जैसे ये लो लाइट है, एक्सट्रीम लो लाइट कंडीशन थी, हल्की फुल्की थी लाइट थी, तो यहाँ पे एक्चुअल में मैं देखना चाहता था कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं डिटेल वाइज देखूँ तो J7 Pro ज़्यादा अच्छी डिटेल दे रहा है और ये थोड़ा नोट 4 थोड़ा ग्रेनी हो गया है, तो मैं बोलूँगा हाँ डिटेल वाइज अगर हम बात करें लो लाइट की, एक्सट्रीम लो लाइट की, तो नोट 4 ग्रेनी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे डिटेल अच्छी है J7 Pro में। तो अब ये आपको डिसाइड करना है वो कौन सी पिक ज़्यादा अच्छी लग रही है। जैसे ये J7 Pro की रेयर कैमरे की पिक है, ये मैंने फ्लैश में नहीं ली है, ये पीछे बैकग्राउंड लाइट है वो है, तो आप देख सकते हैं लाइट जैसे J7 Pro ने जो कैप्चर करी है वो जो ब्राइटनेस है पीछे की, उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट को भी कंट्रोल मतलब बैलेंस रखा है आप देख सकते हैं, लेकिन जो नोट 4 है उसने यहाँ पे ब्राइटनेस ज़्यादा कर दी है, मैंने पीछे उसे कंट्रोल नहीं कर पाया एक्सपोजर को। अगेन ये J7 Pro की रेयर फ्रंट कैमरे की पिक है और ये नोट 4 की फ्रंट कैमरे की है, तो अगर मैं देखूँ तो दोनों ही बहुत अच्छी पिक हैं, मिरर इफेक्ट है नोट 4 में। तो अगर मैं ये बात करूं कि डिटेल कैप्चर, तो हाँ 13 MP का कैमरा फ्रंट है और 5 MP का नोट 4 में है, तो हाँ डिटेल कैप्चर में तो सीधी सी बात है डिफरेंस आएगा। तो हाँ J7 Pro ज्यादा अच्छी फ्रंट कैमरे की सेल्फी ले रहा है एज कम्पेयर टू नोट 4, लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि J7 4 ने पूरी ग्रीनिश पिक ले ली है, नोट 4 ने अच्छा बैलेंस बनाया है, यहाँ वाइट बैलेंस की बात करें बहुत अच्छा था, लेकिन वहाँ J7 Pro ने पूरी ग्रीनिश ले ली। ये देख सकते हैं कि J7 Pro एक्चुअल में लाइट जब बैकग्राउंड में है तो अच्छी पिक कैप्चर कर रहा है, या बोले लाइट को कैप्चर करने में
फोकस कर रहा है। अगर हम यहाँ Redmi Note 4 की फिर से बात करें तो उसने पूरे बैकग्राउंड को भी कैप्चर किया, लाइट की डिटेल ना लेके उसने बैकग्राउंड की डिटेल ली है, जबकि मैंने फोकस लाइट को ही किया था। आप देख सकते हैं ये लो लाइट इमेज है, जो स्ट्रीट की फोटो है वो ज़्यादा अच्छी कैप्चर करी है एज कम्पेयर टू नोट 4। मैं ये बोलूँगा अगर ये फ्लैश की बात होगी तो फ्लैश में आपको डिसाइड करना है आपको किसकी डिटेल ज़्यादा अच्छी लग रही है, J7 Pro जो थोड़ा येलोइश है और नोट 4 जो थोड़ा नेचुरल या बोलें अगर आप नेचुरल की बात करेंगे, क्योंकि नोट 4 में डुअल टोन LED फ्लैश है और J7 Pro में सिंगल है, तो कलर का थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। और मैं ये बोलूँगा जो ज़्यादा अच्छी कैप्चर की और नोट 4 ने फ्लैश में ज़्यादा अच्छी मैक्रो शॉट कैप्चर किया है। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मोबाइल पसंद कर रहे हैं, किस तरह के स्पेक्स आपको चाहिए। तो अगर मैं कैमरा परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इसका डिटेल रिव्यू मैं एक और डालूंगा। अगर कैमरा परफॉर्मेंस के ऊपर आपको रिव्यू चाहिए तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।